और खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष का सपा कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने प्रदेशी भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटने का किया आह्वान। दरअसल आज समाजवादी पार्टी दफ्तर पर सपा के लिए नए जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से 22 के चुनाव के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जुल्म और ज्याज्तियों की सरकार है, जो काम करने में जीरो और सांप्रदायिकता फैलाने में नंबर वन है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मुस्लिम नेता अभी तक जेल में है आजम खान जी का, तो उनकी रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? आंदोलन देखिए, उनके रिहाई के लिए भी आंदोलन होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत चिंतित हैं आजम खान साहब के लिए। उसके साथ साथ हम सब लोग भी बहुत फिक्रमंद है और जो भी हुआ या जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर भी दो बार चले गए, सीतापुर भी उनसे मिलने गए हैं। कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं और अब सड़कों पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजीव भाई, जिले में 3 विधायक समाजवादी पार्टी के,